दोस्तों आज की बड़ी खबर, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि देश भर में सभी नागरिकों के लिए आज आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इसके बिना आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड का उपयोग सरकारी कामों से लेकर लगभग सभी छोटे मोटे कामों में व आईडी के तौर पर भी किया जाता है। पासपोर्ट बनवाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस, सभी जगह आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड में आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपडेट मिलती रहे। ऐसे में अगर आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वैसे अक्सर लोग एक साथ दो या तीन मोबाइल नंबर्स का उपयोग करते हैं, तो यह आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करने के लिए आपको सबसे पहले यूआईडी की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वहां आधार कार्ड कुछ सर्विसेज जैसे कि वेरीफाई ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ ज़रूरी जानकारी मांगी जाएगी, उन्हें ध्यान से भरें। इसके बाद आपको वहां मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कोड डालना होगा, साथ ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता करने के लिए अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालते ही आप अपना मैनुअल नंबर एंटर करके क्रॉस चेक करना होगा। आपको ऐसे मोबाइल नंबर डालने होंगे जो कि आपको लगता है कि ये आधार कार्ड से लिंक हो सकते हैं। पांचवा, क्रॉस चेक करने पर आपका वह मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी पर एंटर करके बाद वेरीफाई करना होगा। बस इन टिप्स की मदद से आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको पहले से पता था कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ऐसे लिंक किया जाता है या पता किया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।